नाचने लगे रे नाचने लगे रे तर्जनिया अंगूठा दाया हाथ बाया हाथ मेरी कमर नाचने लगे रे नाचने लगे रे चंदा मामा ने एक नौवीं खाई है।
बोलो तीन, तीन बोलो तीन, तीन बोलो तीन, तीन बोलो तीन, पंजाबी रिक्शे की पंजाबी, रिक्शे की पंजाबी, चार बोलो चार, चार बोलो चार, चार बोलो चार, चार बोलो चार, हम सब बड़ा तक के बीच में सीखेगा उतना बच्चा आगे नहीं, उस पर धीरे धीरे उसकी क्षमताएं कम हो जाती है, इसलिए ये शुरुआती वर्ष बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जहाँ तक बच्चों के अधिकार के बारे में मैंने जाना कि बच्चों के अधिकार में जैसे आता है कि उन्हें बच्चों के अधिकार में जीने का अधिकार है, जैसे जन्म लेने का सभी बच्चों को अधिकार है, मतलब उसमें लिंग का अनुभव कर देती है ना भेदभाव, उसमें बच्चों को या तो वो या लड़की हो या लड़का, उन्हें जीने का अधिकार है। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत ही समय चाहिए होता है और उसके दिमाग की जो मांसपेशियाँ होती हैं बहुत सारी विकास के लिए उत्सुक होती हैं, तो जीव से छः वर्ष की आयु में बच्चा बहुत ही ज़्यादा सीख जाता है, ये उसकी ये जो उम्र होती है सीखने की बहुत ज़्यादा उत्सुक रहता है सीखने के लिए, और इस उम्र में हम जितना भी बच्चे को जैसा भी सिखाएंगे वो वैसा सीखते हैं। आगे अपने को प्रदर्शित करेंगे कि हाँ हम
हमको बच्चों की बचपन में ऐसा होता है कि बच्चा जैसा सीखता है वो उसके मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो जाता है कि वो उसी को सच समझता है, क्योंकि एक शिक्षक प्री प्राइमरी में एक शिक्षिका की ऐसी भूमिका होनी चाहिए कि बच्चों को हम इस प्रकार से सिखाएं जिससे कि वो उसके मन में वो भावना अंदर तक चली जाए। जैसे एक डॉक्टर होता है, डॉक्टर को जो अपनी गलती होता है डॉक्टर, वो डॉक्टर अपनी गलती पोस्टमार्टम से छुपा सकता है, और एक जो इंजीनियर होता है वो अपनी गलती प्लास्टर द्वारा छुपा सकता है, लेकिन एक शिक्षक होता है वो अपनी गलती कभी नहीं छुपा सकता। इसलिए उसको बच्चे को इस तरह से पढ़ाना चाहिए, इस तरह से उसके मन में इस तरह की भावनाएं उत्पन्न करनी चाहिए, क्योंकि बच्चा इतना छोटा होता है उस समय उसे लगता है कि जो हमारी टीचर कह रही है वही सबसे सही है। इसलिए बच्चे की भावनाओं को हमें भावनाओं को समझ के उसको इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए कि वो समाज में आगे जाकर एक अच्छा व्यक्तित्व प्रदर्शित करे। सुनो घंटी बजी स्कूल की, चलो स्कूल तो।